ओके तो हे व्यूअर्स, मेरा नाम है फैजी और आप देख रहे हैं टैग के फैजी। तो ये तो तुम सभी जानते हो कि तुम्हारा कोई चैनल होता है तो जब उसे मोनेटाइज करते हो तुम, तो तुम्हें अपनी बैंक की सारी डिटेल भरनी पड़ती है बैंक अकाउंट की। तो जब तुम ये डिटेल भरते हो तो तुम्हें वहाँ पे एक स्विफ्ट कोड लिखा मिलता है। तो तुम्हें ये नहीं पता रहता कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। जब तुम बैंक में जाते हो तो बैंक वाले साफ मना कर देते तुम्हें कि हमारे पास स्विफ्ट कोड नहीं है हमारे बैंक का, पर तुम्हें तो चाहिए क्योंकि तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल जो मोनेटाइज होने वाला है। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैंने इस वीडियो को बनाया जिसमें आप स्विफ्ट कोड फाइंड कर सकते हो सिर्फ मोबाइल से और क्रोम से। तो फ्रेंड्स, वीडियो होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, तो एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी पोस्ट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें इसके लिए करना क्या है, तुम्हें सीधा अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहाँ पे जाके तुम्हें सर्च मारना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। जब तुम इसे सर्च मार लोगे तो तुम्हें सबसे ऊपर एक वेबसाइट मिलेगी bank.codes, तो तुम्हें उस पर क्लिक कर देना है। तुम उस पर क्लिक कर दोगे तो तुम्हें यहाँ तीन ऑप्शन मिलेंगे, कंट्री, बैंक एंड सिटी। तो तुम्हें यहाँ पे अपनी सारी डिटेल भर देनी है जैसे मैं भर रहा हूँ, पूरी तरीके से फिल कर देना है बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में की बुक में है वैसे। पहले अपनी कंट्री भरनी है जैसे मैं इंडिया भर रहा हूँ, और फिर बैंक भरना है जिस बैंक से अकाउंट है तुम्हारा, और फिर सिटी भर देनी है। जब ये तुम भर दोगे सिटी, बैंक अकाउंट और वो कंट्री, तो तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा एम्प्टी बॉक्स का, तो तुम इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे तुम्हारा स्विफ्ट कोड आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारा यही स्विफ्ट कोड है जो तुम्हें फाइंड करना था। तो जब तुम्हें इस एम्प्टी बॉक्स पर क्लिक कर दोगे तो तुम्हें यहाँ स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो ये तो बात सबको पता चल गई है। तो जब तुम इस स्विफ्ट कोड पे भी क्लिक कर दोगे तो तुम्हें यहाँ स्विफ्ट कोड की पूरी डिटेल मिल जाएंगी, जहाँ ये लिखा होगा कि किस ब्रांच का स्विफ्ट कोड है और उस ब्रांच का डिटेल भी, एड्रेस भी, सब चीज़ें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी। तो एक बात और बता देता हूँ, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में जब तुम स्विफ्ट कोड देखते हो ये यहाँ से, तो तुम्हें यहाँ दो स्विफ्ट कोड मिलता है, तो तुम्हें उनमें से एक पर क्लिक करके देखना है कि वो कौन सी ब्रांच है। अगर ये वो तुम्हारी ब्रांच का है तो तुम उसको सिलेक्ट करके लिख सकते हो अपने मोनेटाइजेशन वाले पार्ट में। तो गाइस, यही थी वो छोटी सी प्रोसेस जिससे तुम अपने स्विफ्ट कोड फाइंड कर सकते हो अपने बैंक का अकाउंट का। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।